अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज आपको ये चीज़ दिखानी है कि ये रेडी का बड़ा टायर है और उसको पंक्चर लगाने के लिए आए हुए हमारे इंजीनियर शीरा साहब। और ये अभी साइकिल में मोटरसाइकिल के टायर में हवा भर रहे हैं और आप इनकी टेक्निक देखें कि जो पंप होता है साइकिल में हवा भरने के लिए, उसके आगे इन्होंने नोज़ल लगाई हुई है जो मोटरसाइकिल के टायर को तो लगती है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन ये ट्रैक्टर के जो बड़े टायर हैं उनमें, और सबसे बड़े टायर तो हमारे रीजन में जो है वो हार्वेस्टर मशीन के होते हैं, उसमें भी हवा भरते हैं ये साइकिल वाले पंप के साथ। फुल टाइट तो ज़ाहिर नहीं कर सकते, इतनी कर देते हैं कि जो वो चल के जो है ना किसी दुकान पे जा सकती है खेतों में से। और इसी तरह ट्रैक्टर के जो बड़े टायर हैं उनमें भी इतनी कर देते हैं, हालांकि टाइट भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और ज़ोर लगता है। तो ये जो है उसको पंक्चर लगा देते हैं खेतों में आके, जब भी हमें कोई मसला होता है तो हम बुला लेते हैं इनको और इतना काम ये कर देते हैं कि किसी दुकान तक जा सकता है ट्रैक्टर हो या कोई भी मशीन हो। तो इस इनकी टेक्निक जो है, ये बोतल इन्होंने एक लगाई हुई है प्लास्टिक की, वो मेन चीज़ है, उसके आगे उसमें हवा जमा होती है और आगे चली जाती है। और ये पंप बहुत हल्का चलता है, जब पंप भारी तब होगा जब टायर में हवा फुल हो जाएगी और इनको पता लग जाता है बगैर मीटर के ही कि अभी हवा जो है वो फुल हो गई है। ये सारी टेक्निक, ये जो बोतल है बीच में इसकी है, इसको इन्होंने जो है वो फिक्स किया हुआ है और इसके साथ बहुत अच्छा काम ले रहे हैं। अभी आप देखें, आपने मोटरसाइकिल में उसने एक मिनट में हवा भर दी दोनों टायरों में, अब ये रेडी का बड़ा टायर है और उसको जो है ये हवा भर रहे हैं, ये पंक्चर लगाने के लिए आए हुए हैं, इसी के साथ हवा भरेंगे। हमने कभी भी जो है उसको किसी दुकान पे ले जा के हवा उसमें फुल नहीं करवाई, ये ही इतनी फुल कर जाते हैं। ट्रैक्टरों के टायर चेंज करने हो या पंक्चर लगाना हो, ये सारे काम जो है खेतों में ही आके कर देते हैं या डेरे पे। तो ये एक टेक्निक थी पंप के साथ, साइकिल वाले पंप के साथ हवा भरने की, जो उस मेरे सामने आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ज़ाहिर है हर इलाके में होगा लेकिन सब लोगों को इस बारे में पता नहीं होता, कुछ लोग देख के हैरान होते हैं उसको यहाँ पर भी।